हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यहाँ सोनला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी भी पेटीएम पेमेंट या तो एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाया है या खोला है, तो आप उसका स्टेटमेंट पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने मेल आईडी पे, और उसे किसी को सेंड करना चाहते हैं पीडीएफ या जेपीजी, तो उसे कैसे भेज सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं, और उसको हम डाउनलोड कर भी करके भी लाइव प्रोसेस के साथ आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। बैंक से या ऑनलाइन जो भी होती है आप वो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। वहाँ आपको सारी डिटेल्स बताते हैं कि आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पेटीएम में ओपन कर लेना आपका पेटीएम जो अप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ढेर सारी ऑप्शन। यहाँ पर आपको चले जाना है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना पासकोड डालना है। जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको आपका पासकोड खुल जाएगा, आपको पासबुक मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के जो होम पेज है उस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट कितना है, आपका अमाउंट कितना है वो दिखा देगा, आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं बैलेंस वो भी सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी, मनी ट्रांसफ़र, पासबुक, सीडी, एफडी और ऑल सर्विसेज। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरीकों के देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपना पासबुक चेक करेंगे, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए आपको पासबुक वाले बैंक पासबुक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ बैंक वाले पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और आपको ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो भी ट्रांजेक्शन रिसेंट में ट्रांजेक्शन किए हैं, आपके यहाँ पर रिसेंट में जो सर अरे ट्रांजेक्शन है कितने कितने रुपए का, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और हम आपको बताते हैं कि आप इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपने ईमेल आईडी पे, तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पे ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना होगा कि कब से कब आप अपना स्टेटमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी मंथ का आप चाहते हैं, 6 मंथ, कस्टम डेट जो भी आप चाहते हैं इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 मंथ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और आप SMS के द्वारा चाहते हैं या तो ईमेल के द्वारा चाहते हैं ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ये आपका जो स्टेटमेंट है आपकी पीडीएफ जो है फाइल हो जाएगी आपके ईमेल आईडी पे। तो हम अपना ईमेल आईडी ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पे आपका जो है वो सेंड कर दिया गया है ईमेल आईडी पे। तो हम अपना यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप अपने ईमेल आईडी पे आपका स्टेटमेंट पीडीएफ में आ गया है या नहीं। तो हम अपना ईमेल आईडी खोलते हैं। तो ईमेल आईडी खोलने के लिए अपने जीमेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेटीएम पेमेंट बैंक पेमेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका जो इतना तारीख से इतने तारीख तक का स्टेटमेंट आ चुका है पीडीएफ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप लोग देखने को मिलेगा इस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस है, आपका जो भी IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सब कुछ जानकारी मिल जाएगी पेटीएम पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट में। पासबुक के तरीके से आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं। उसी प्रकार होता है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए आपको जाना है अपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में। यहाँ पे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है, और आपको जाना है अपने जो पे होता है बैंकिंग वाले ऑप्शन पे। तो हम यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे, फिर से आपको जाना है, स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो भी अमाउंट है उस पर क्लिक कर देंगे सेव पे वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट देखने को मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट। यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव पेमेंट पे। इसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो एम पिन होता है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। एम पिन फिल कर देंगे, जो भी अगर आप एम पिन भूल गए तो फॉरगेट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी आधार कार्ड में जो डिटेल्स है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ जिससे आपने अकाउंट खुलवाया था, उसको डाल के यहाँ पे अपना फॉरगेट पासवर्ड और नया एम पिन बना सकते हैं। तो हमको अपना एम पिन याद है तो हम अपना एम पिन यहाँ पे फिल कर देते हैं।
जो भी आपका एम पिन है उसको यहाँ पे फिल करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपको देखने को मिल जाएगी, और इसको आप अपने ईमेल आईडी पे फिर से भेजना चाहते हैं, पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसमें अपने ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी पे चले जाएँ तो आपका स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पे आ गया है या नहीं। तो हम अपनी ईमेल आईडी को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एयरटेल पेमेंट स्टेटमेंट है आपके अकाउंट में ईमेल आईडी पे भेज दिया गया। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को ओपन करके यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो स्टेटमेंट है इसको पीडीएफ फाइल आ चुकी है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। इसमें पासवर्ड आपका है DDMMYY, तो मतलब उसके बाद और आपका जो अकाउंट नंबर है सारे कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसमें फिल करना होता है। तो हम इसको अपना फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए आपका DDMMY और मोबाइल नंबर जो है उसको डाल के यहाँ पे ओपन करके आपको स्टेटमेंट हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं, और अपना जो पासवर्ड है प्रोटेक्टेड फाइल इसको हम पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हैं, और आपका जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो हम अपना पासवर्ड डाल लिए हैं और इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो पासवर्ड है फाइल है और प्रोटेक्टेड फाइल है आपकी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो पासबुक है इस तरीके से आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना जो भी स्टेटमेंट है सब कुछ एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट आप इस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोगों ने जाना कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक और जो पेटीएम पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। तो इस तरीके से आप लोग अपना पीडीएफ फाइल अपने ईमेल आईडी पे और अपने मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा आप लोग पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपने एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में यही जानकारी आपको मैं बताने वाला था, आसान भाषा में आप लोगों को बताया कि आप लोग अपना पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया या तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो स्टेटमेंट है वो आसानी से अपने ईमेल आईडी पे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से अपना एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक का हिस्ट्री ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।